वीडियो गाइस, आज हमारे मदरसे पे दर्स है। हम आपको दर्स दिखाएंगे कैसे है क्या है, और ये देखो कितना अच्छे से सजा है। और हम आपको दिखाएंगे ये सब, देखो कितना अच्छा है। अभी चल के दिखाते हैं कि दर्स में क्या होता है, कैसे है, सब दिखाते हैं आपको। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। जो सयाए हैं इनके रवानी नवानी जो अपने मदार में उतर में चलते हैं, इनके एतबार से अपने हिसाब किताब वगैरह को सही तरीके से दुरुस्त करो। इसी एतबार से क्या होता है, अदल जैसा होता है, लोगों के साथ वादे किए जाते हैं, लोगों के कॉर्ड्स वगैरह दीगर चीज़ों में लोगों के फैसले वगैरह होते हैं, और इसी के एतबार से क्या लोगों को उजरत, तनख्वाह, मजदूरी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा तारीख की अहमियत है। आमतौर पर तो है, लेकिन इस्लामी लाइफ में, इस्लामी ज़मीन में अब तारीख की जो बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो मैं पहले आज कर चुका हूँ, वो पहले से अरबी सन मौजूद था, कब तो दोबारा हिजरी में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब होती है, 610। तो अलगर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी कभी नहीं थी, ये नहीं थे कि सिर्फ गोरी गोरियां या इंडिया जिसको मिलादी कहा जाता है। हाँ, जब खिलाफत राशिदा के दूसरे खलीफे आते हैं, अमीर उल्मोमिनीन उमर, उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की जो दुनिया में कभी फैल गई, और पूरी दुनिया में ज़्यादातर हुक्मरानी की जहाँबानी की वही इस्लाहात चलती हैं, पुलिस के शोबा, डाक का शोबा, मना शोबा, इसलिए शुरत कहा जाता है, शुरत मतलब होता है पुलिस निशानात, जिससे आप पुलिस के महकमे वगैरह को भी जान सकें। तो हज़रत उमर ने बहुत से निज़ाम की सल्तनत को खलीफा राशिद अल फारूक ने कहीं एक इस्लाहात उसमें की। जब हज़रत उमर थे तो उसमें बयान कर चुका हूँ कि अरबों का, बल्कि अहले मक्का का जारी सारी जो सन है, कौन सा सन, अरबी कमरी महीनों से जो चलता था, वो मौजूद था 412 के मक्का के इतमा उसी से, और गोरेगेरियम जो है मिलादी सन की राय था, विक्रमी की दुनिया में राय था, बहुत से ये थे। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर ने अंसार महाजरीन सबकों वालों जिसमें बहुत से अहसान मिश्रा में से थे, तो सब सहाबा को जमा किया। जमा करने के बाद कहा कि मुसलमान को कभी होनी चाहिए, क्योंकि जो मिलादी तारीख है ये जान इसका दारोमदार बात होता है। पहली चीज़ हज़रत ईसा की विरासत, वो ही विरासत बात रसीदा, और उस अकीदे से आसमान और जमान जो लरत जाए कि अल्लाह के बेटे का उदा और करते हैं, और दीगर की तारीखें थी, उन सब से हट कर हज़रत उमर ने इजमा सहाबा मुआफ़त से क्या तय किया कि हम अपना मुस्तकिल इस्लामी सन और तारीख चाहिए, उसी से अपने काम का शुरू करो। फिर मन में ये हुआ कि रमज़ान के महीने को रखा जाए, किसी और महीने को रखा जाए, टर्निंग पॉइंट जो है हिस्ट्री का, तारीख इस्लाम का, तो अपनी कुर्बानी करना, इस दुनिया की तारीख बदल गई। तो हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके लिए तय किया गया, और फरमत वाले चूँकि कंटिन्यू कितने महीने हैं, 3 और चौथा आ गया, तो तीनों महीनों में से जो तीसरा यानी कौन सा मुहर्रम का महीना, और बाकायदे ये ऐसी नहीं कि हमें मोमिनीन ने ऐसे तय कर दिया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, क्योंकि दीन इब्राहिम में इस महीने के रोज़े रखे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़ों की फर्ज से पहले रोज़े रखे, तो कभी क्या चीज़ है, अब वो फर्ज रोज़े के तौर पर रखे या सुन्नत मौक़दा के तौर पर, जब वो रह गए तो इमाम अहमद हम्बल ने फरमाया, ये कहते हैं कि ये मुहर्रम के रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थे रमज़ान के रोज़ों की फर्ज से पहले वाला इमाम जने मकाम वगैरह कहते हैं, लेकिन सुन्नत मौक़दा थे, हकीकत यह है फर्ज थे। इसीलिए जब रमज़ान के रोज़े सब 2 हिजरी शाबान में अल्लाह का फरमान नाज़िल हुआ 183 सूरह अल बकरा, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब आशूरा के रोज़े नहीं, यानी मुहर्रम के रोज़े नहीं, जो रखना चाहे रखे, जो अब रमज़ान के रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं ये रुकन इस्लाम है, क्योंकि मक्का में भी रवायत रज़ा रज़ियल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान आशूरा या मुहर्रम के रोज़े रखते थे। ये था एक मुख्तसर तज़किरा आपके सामने। अब एक मुसलमान को क्या ऐसी ही ये
इस्तेमाल करने चाहिए तो यहाँ पर मौका पर अहले इल्म यहाँ पर मौका ये है कि बिना अनुमति के कोरियन एडी जो है ना मिलादी तारीख इसको एक मुसलमान के लिए इस्तेमाल करना वाला वरा के अकाले के खिलाफ है। मजबूर ना आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो आपने हिजरी महीनों को याद रखें जिस पर खैर वालों से है सहाबा से, तो इस पर शिक्षा फरमाते हैं والصحابة رضي الله عنهم كان تاريخ الميلاد عندهم موجودا معروفا ولم يستعملوا صحابة زمانے میں یہ جو کرسچن ایرا ہے جس کو اے ڈی کہا جاتا ہے یا گریگورین کہا جاتا ہے یہ صحابہ کے زمانے میں موجود ہی رہے تھے اور مزید آپ اس پر استفادہ کریں گے بھائی اہل مکہ کی قمری تاریخ میں موجود تھی کیونکہ 412 میلادی میں مکہ کے اجتماع میں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شریک ہے ایجاد کیا اور میلاد تاریخ کو نہیں استعمال کیا هذا الذي قال ان المسلمين يجب ان يستقلوا عن عذاب الكفار وتكاليفهم یہ فرض کرتا ہے کہ مسلمان پر کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کفار کے عذاب اور ان کی پیچھے بیٹھ جائے ان کی تکلیف سے اپنے آپ کو مستقل آزاد رکھے لا سیما ان تاریخ میلادی رمز علی دین ہے خصوصا بالخصوص جب کہ تاریخ الحجری نہیں تاریخ میلاد کی تاریخ جو گریگورین ہے یہ نصارا کے دین کی ایک نشانی اور ان کا لوگو اور ایک شعار ہے رمضان علی دین لأنه يرمز إلى تعظيم ميلاد المسيح والإقرار به هذا السنة کیونکہ یہ کیا ہے سائن ہے ان کا دوستوں اگر آپ کو یہ تقریر یا درس اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائے بائے اللہ حافظ ٹیک کیئر